हे गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका सभी का स्वागत है। और आज हम करेंगे फेस स्मूथ कैसे करते हैं मोबाइल में। इसके अंदर जाएंगे स्केच बुक में, ये तो पहली इमेज मैंने पहले किया था वो ओपन हो गया, अभी दूसरी करेंगे इमेज। इसको निकालते हैं यहाँ से न्यू इमेज लेंगे। यहाँ से आपको शो कर देगा इमेज, सभी इमेज, तो मैं पहले वाली इमेज ले लूँगा। ये वाली लेते, ब्लैक वाली थोड़ी बहुत। इसको अच्छे से देख लेते हैं, यहाँ पे थोड़े बहुत पिंपल हैं और शेडो भी आ रहा है चेहरे पे, तो इसको यहाँ से ब्रश टूल लेंगे, ब्रश टूल की सेटिंग कर लेंगे। यहाँ से इतनी सेटिंग कर लेना है फ्रेंड्स, आपको स्मूथ में रखना है। सेटिंग यही करना है, यहाँ पे भी ब्रश का साइज कम ज़्यादा करने का है, आपके हिसाब से कर सकते हो। अभी पेंट करेंगे, ये देखो फ्रेंड्स हो रहा है आराम आराम से पेंट। कम ज़्यादा साइज़ करके भी आप कर सकते हैं स्मूथ, आराम से करना, क्योंकि ये शेडो है ना, तो यहाँ पे लाइट आ रही है वो वहाँ पे शेडो भी चला जाएगा। पहले वॉइस नहीं देता था मैं फ्रेंड्स, अभी दे रहा हूँ क्योंकि मुझे बनाने नहीं आता था पहले, अभी सीख रहे हैं धीरे धीरे। कम ज़्यादा साइज करके, क्योंकि दूसरी जगह नहीं चले जाए स्मूथ करते करते शेडो। आराम आराम से साइज़ कम ज़्यादा करके कर सकते हैं सभी जगह पे। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करिए, क्योंकि नया नया चैनल है, आप सभी का सपोर्ट रहेगा तो। इसको मैंने पहले वो नहीं किया था, मतलब कलर चेंज नहीं किया था थोड़ा बहुत, तो इस ऐसे ही आपको स्मूथ के बारे में बताना था तो मैंने बता वीडियो बना दिया है। लिप्स के ऊपर भी थोड़ा बहुत घुमा देना स्मूथ ब्रश, तो वो भी थोड़ा बहुत स्मूथ हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा ब्लैक शेडो है तो दिक्कत आएगी, पहले आप शेडो को थोड़ा कलर चेंज करके थोड़ा बहुत लाइट डाल सकते हैं वहाँ पे। यहाँ पे थोड़ा रह गया है तो इसको भी स्मूथ कर लेते हैं। ऊपर देखिए गाइस, यहाँ पे ज़्यादा ब्लैक ब्लैक शेडो आ रहा है, तो ये पिंपल को हैंड स्नैपसीड से भी कर सकते हैं, उसको पिंपल को ऐप कर सकते हैं, लेकिन ऑटो डेस्क से भी हो जाता है, वो स्मूथ हो जाता है ना, तो ब्रश से। यहाँ पे ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, यहाँ पे आराम से करते हैं अभी कम ज़्यादा साइज करके, क्योंकि जहाँ लाइट है वहाँ पे वो चला जाएगा तो अच्छा नहीं दिखेगा फेस।
यहाँ पे थोड़ा ब्लैक है यार, ज़्यादा ही ब्लैक है यहाँ पे, फिर भी कोई ना हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा बाकी है। साइज़ कम ज़्यादा करके कर लेना है, यहाँ पे थोड़े बहुत एडजस्ट करना पड़ेगा वहाँ पे थोड़ा। यहाँ पे थोड़ा ब्लैक है यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं अच्छे से स्मूथ हो गया है। यहाँ पे हेयर पे भी थोड़ा थोड़ा कर देना, वो भी थोड़े बहुत स्मूथ हो जाएंगे। देख सकते हो आप, स्मूथ अच्छे तरीके से हो गया है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।